OnePlus ने लॉन्च किए हैं काफी सारे स्मार्टफोन्स 2020 में, जहां कि हमने अपने वीडियो में भी दिखाया था आपको OnePlus 8 Pro, साथ ही साथ OnePlus 8, OnePlus 8T। बट दोस्तों मिड सेगमेंट में, जो प्रीमियम मिड सेगमेंट है, वहां पे दोस्तों जो इस साल का सबसे बढ़िया बेहतरीन फोन अभी तक जो लॉन्च किया OnePlus ने, OnePlus Nord, जी हाँ। और आज आप देख सकते हो हमारे पास ये डिब्बा आ चुका है। आज हम आपको बताएंगे इस अनबॉक्सिंग करके इसके बारे में, और कुछ कुछ हाइलाइट्स हम बताने वाले इस वीडियो में। स्वागत है आप सबको मेरे चैनल बेहतरीन टेक में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए खोलते हैं OnePlus Nord का डिब्बा और देखते हैं क्या मिलता है इस फोन के अंदर। तो लेट्स ओपन। हालांकि मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग कर ली है, बट ऑल्सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या कंटेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको मिलता है OnePlus Nord, जी हाँ। तो इसको हम अभी थोड़ा हटाते हैं प्लास्टिक से, और जो ये मेरे पास जो कलर है दोस्तों, ब्लू मार्वल कलर, और काफ़ी प्यारा सा कलर है, जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, बेहतरीन। और अभी हम इसको रखते हैं साइड में। फिर आता है ये, कुछ नहीं है, रहने दो इसको। और दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि आपको बॉक्स के साथ एक केस भी मिलता है, और जो कि एक टीपीयू केस है, सिलिकॉन टीपीयू केस। और एक अच्छी बात है, ये भी आपको फ़ोन के साथ ही एक बैक कवर भी मिल जाता है। अब अगर हम बॉक्स को और इसको निकालते हैं, तो इसके अंदर आपको दोस्तों पेपर बॉक्स मिलेंगे, जो कि अभी मैं पढ़ूंगा नहीं, और ऐसे ही इसको रखते हैं साइड में। और जो पावर ब्रिक है दोस्तों, यहाँ पे हमें जो पावर ब्रिक मिलता है वो वाप चार्ज 30T का सपोर्ट है इस चार्जर में। तो एक मिनट दीजिएगा बस। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया सा पावर ब्रिक और लिखा हुआ है वाप चार्ज 30। तो बढ़िया 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको मिल जाएगा OnePlus Nord में। और अभी हम इसको भी रखते हैं साइड में। और दोस्तों एज यूजल जो हमारे पास आता है केस OnePlus का, जो ये चार्जिंग केबल है, बढ़िया सा रेड कलर का केबल, और इसको हम रखते हैं साइड में। तो क्या पता कहीं ना कहीं हमें थॉट ऐसा भी आता है कि जब ऐसा पूरा डिज़ाइन अगर आपको मिल रहा है कि ब्लू एंड ब्लैक बॉक्स में, तो क्यों ना केबल को भी ब्लू दिया जाए। बट ठीक है, कंपनी अपने एंड से करती है। तो अभी हम दोस्तों इन सब को रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है OnePlus Nord, और इसका फिजिकल ओवरव्यू प्लस जो भी हमने जितना यूज़ किया इसको, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं अब थोड़ी देर में। तो इसको हम रख देते हैं साइड में और ये लेके आते हैं हमारे पास फ़ोन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्विकली इसके फिजिकल ओवरव्यू का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, पीछे की ओर प्यारा सा ब्लू मार्वल कलर है दोस्तों। पीछे और आगे आपको मिल जाता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। बैक साइड में दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमें मिल जाता है 4 कैमरा क्वाड कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 एंड 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। साथ ही साथ आपको मिल जाता है फ्लैश, पीछे OnePlus का लोगो, नीचे भी OnePlus का लोगो। और दोस्तों अब अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं, तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन माइक देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो दोस्तों OnePlus का जो फेवरेट फीचर हमारा अलर्ट स्लाइडर, ये भी इस फोन में देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे पावर लॉक अनलॉक बटन, और बढ़िया है, बढ़िया टैक्टाइल फीडबैक आ रहा है इसका। नीचे की ओर आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमें प्राइमरी स्पीकर्स और जो है चार्जिंग ट्रे। सिमिलरली दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है प्राइमरी नॉइज कैंसलेशन माइक, और यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम इजेक्टर, सिम डालने वाला जगह। और यहाँ पे दोस्तों बेसिकली ये है कि आपको मिलता है ड्यूअल सिम का सपोर्ट, और एक्सटर्नल एसडी कार्ड आप इस फोन में नहीं लगा सकते, जो कि केस बाकी सारे OnePlus फोन्स का भी सेम ही है। अब मैं अगर लेफ्ट साइड में आता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का बटन, तो ये भी काफ़ी बढ़िया सा फीडबैक देता है। और पीछे की ओर तो हमने आपको बता ही दिया। अब आगे की ओर अगर हम देखते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिलता है ड्यूल कटआउट होल, और यहाँ पे दो कैमरास लगे हुए दोस्तों, एक 16 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का, जो कि डेप्थ सेंसिंग पे काम करेगा फ्रंट सेल्फीज के लिए। और बाकी आपको जो ये फ़ोन है 6.64 इंच का फुल HD AMOLED स्क्रीन का सपोर्ट मिल जाता है। एक बात, जैसे आप फ़ोन को बॉक्स से निकालते हो दोस्तों, काफ़ी वेल बैलेंस्ड फ़ोन लगता है, जी हाँ, काफ़ी बढ़िया सा फ़ोन है, एकदम हल्का है,
जैसे आप इसको बॉक्स से निकालते हो तो एकदम आपको भी एकदम बढ़िया सा फील आ जाएगा इस फ़ोन को पकड़ने में, और काफ़ी वेल बैलेंस दोस्तों। इतना 6.64 इंच का स्क्रीन है, बाकी और भी हम जितने भी फ़ोन हम यूज़ कर रहे हैं 2020 में, काफ़ी सारा फ़ोन हम यूज़ करते आ रहे हैं, बट जैसे इस फ़ोन को हम बॉक्स से निकालते हैं तो हो एकदम बेहतरीन सा फील आ जाता है इस फ़ोन को पकड़ने में। तो चलिए इसको क्विकली हम बूट करते हैं, ऑल्दो हमने पहले इसको बूट कर रखा है, और उसके बाद हम आपको इसके आगे की चीज़ें बताएंगे। और दोस्तों आप मुझे बताना नीचे कमेंट्स में, आपको ये कलर जो है वन प्लस के एंड से ये कैसा लग रहा है। मुझे तो एकदम देखने में बढ़िया सा लग रहा है, आप भी बताना कि आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। और दोस्तों जब ये बूट हो रहा है हम इसकी और क्विकली डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 90Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी एक बढ़िया बात है, और साथ ही साथ ये जो इसका जो इंटरनल स्टोरेज है दोस्तों 6GB 128GB का इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने ऑलरेडी इसको बूट कर लिया है और कुछ टाइम से हम इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं, तो स्क्रीन में भले ही विजिबल ना हो बट दोस्तों बढ़िया सा 90Hz का रिफ्रेश रेट, और जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बता रहा था आपको, एकदम परफेक्ट वेल बैलेंस्ड फ़ोन लग रहा है। 2020 में जितने फ़ोन आए हैं उनमें से अगर रेटिंग करना होगा बैलेंस के हिसाब से और कंफर्ट विथ वन हैंड यूसेज, तो दोस्तों ये वन प्लस नोट एक बढ़िया सा ऑप्शन रहेगा। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है जो कि आप देख ही सकते हो, काफ़ी फास्ट काफ़ी क्विक आपके फ़ोन को अनलॉक कर देगा, और ये एक अच्छी बात है। तो अगर हम क्विकली इसके सेटिंग्स में जाके देखते हैं दोस्तों, और आपको बताते हैं कि एक सेकेंड कौन सा एंड्रॉयड वर्जन अपडेट यहाँ पे हमें मिलता है। तो दोस्तों लेट्स क्विकली मूव टू द अबाउट सेक्शन। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें एंड्रॉयड 10 मिलता है इस फ़ोन में, जो कि आई एम श्योर अभी कुछ टाइम में हमें एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट भी दिख जाएगा। तो ये है दोस्तों एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट वन प्लस नॉर्ड में। और क्विकली अगर हम इस बाकी और चीज़ें के बारे में बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया कि 90Hz का रिफ्रेश रेट तो मिलता ही है, और एक खास बात दोस्तों वन प्लस नॉर्ड के साथ हम इस फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि गूगल के ही प्री इंस्टॉल्ड हैं दोस्तों। और जैसे पहले हम वन प्लस के फ़ोन में देखते थे जो इनका डायलर है, जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, वो सब वन प्लस का ही ऑक्सीजन ओएस का होता था, बट वन प्लस नॉर्ड से ये थोड़ा चेंज हमें देखने को मिला है, जहाँ कि जैसे आप डायलर देख सकते हो, ये गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड का डायलॉड है, ये जो डायलर है पूरा गूगल का ही डायलर यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैसेजिंग ऐप भी अगर आप देखोगे, ये भी पूरा गूगल का ही है। और इनिशियली जैसे अगर हम यहाँ पे जो क्विक न्यूज़ में भी बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे भी हमें गूगल का ही देखने को मिलता है, एज कम्पेयर टू जो वन प्लस के कार्ड्स आते थे वो नहीं देखने को मिलेंगी। और दोस्तों यहाँ पे जो भी और बाकी और भी जितने भी ऐप्स हैं गूगल के रिलेटेड, वो सब हमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों वन प्लस नॉर्ड आता है स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ, और आपको यहाँ पे दोस्तों 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, बट अभी फ़िलहाल तो 5G कहीं दूर ही है, कुछ टाइम लगेगा इंडिया में भी आने के लिए, बट एटलीस्ट 5G रेडी है फ़ोन और स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर मिलता है। तो देखते दोस्तों ये अभी हम कुछ गेम्स खेल के आपको यहाँ पे दिखाएंगे और कैसा परफॉर्म करता है, हैंडल कैसे कर पाता है गेम्स को। तो सबसे पहले हम एस्पल 9 को ओपन करते हैं यहाँ पे, और जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बता ही रहा हूँ कि दोस्तों काफ़ी वेल बैलेंस्ड सा फ़ोन है, बट आपको कहीं ना कहीं ये जो आगे जो ये कटआउट कैमराज दिए हुए हैं, दो कैमराज फ्रंट कैमरा, वो कहीं ना कहीं कुछ यूजर्स के लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकती है, क्योंकि ज़्यादातर हम इक्विप्ड हैं कि एक सिंगल होल हो कहीं बीच में या फिर कोने में, बट यहाँ पर हमें दो मिलते हैं, चलिए ठीक है। चलिए अब रेस स्टार्ट होने वाला है, लेट्स सी। और आप बताइए कि क्या पोजीशन आने वाला है मेरा इस रेस में, लेट्स सी। थोड़ा ड्रिफ्ट वगैरह करते हैं, चल जा भाई चल जा, ड्रिफ्टिंग पता है मुझे। लो चलिए, ये ताबत तोड़ हम भाग रहे हैं, बढ़िया सब। और ये हमने लगा दी छलांग, बेहतरीन भाग रही है गाड़ी, देखो। तो
दोस्तों यहाँ पे अभी जितना भी टाइम अभी हम छोटा मोटा जैसे गेम खेल लें तो कुछ फ्रेम ड्रॉप्स भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिले और काफ़ी स्मूथ सा गेम ड्रॉप। अभी थोड़ा सा हमें कुछ लगा था शटर सा, बट काफ़ी बढ़िया सा स्मूथ गेम प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है एसपीएल 9 का। दोस्तों अभी जैसा कुछ टाइम तो हुआ है हमें गेम खेलते हुए, तो थोड़ा सा एकदम काफ़ी थोड़ा सा हीटिंग हमें यहाँ पीछे की ओर अभी थोड़ा लग रहा है, बट नॉट टू मच, थोड़ा सा हीट लग रहा है बट ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं होगा। लेट्स सी, और कुछ टाइम गेमिंग करने के बाद दोस्तों थोड़ा बहुत हीटिंग तो हमें पीछे की ओर देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टाइम में भी गेम खेलोगे तो कुछ ना कुछ हीटिंग आपको देखने को मिल सकता है इस फोन में, बट गेमिंग परफॉर्मेंस में कोई ऐसा कुछ इश्यू नहीं दिख रहा दोस्तों हमें यहाँ पे, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी दोस्तों आप बने रहिएगा चैनल में और हम इसका बाकी जो डिटेल रिव्यू है, कैमरा रिव्यू है, वो भी जल्दी लेके आएंगे। और अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है वन प्लस नॉट के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्विक अनबॉक्सिंग अच्छा लगा होगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लेके आऊँ आपके लिए। दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।